तो ये आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की लास्ट क्लास है और टॉपिक्स होंगे हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोप क्या होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं फैटी एसिड्स के लंबी चेन, जो फैटी एसिड की लंबी चेन होती है उसमें लास्ट में जब सोडियम या पोटेशियम आता है, ठीक है, लास्ट में जब सोडियम या पोटेशियम आता है तो उसको हम बोलते हैं सोप। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये RCOO- जो है आपकी लॉन्ग फैटी एसिड की चेन है और ये लास्ट में Na+S की जगह K+ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो तुम्हारा कंपाउंड होता है वो सोप कहलाता है। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला दिख ही रहा होगा आपको, RCOO- Na+। डिटर्जेंट्स क्या है? डिटर्जेंट जो है ये भी फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है, लेकिन इसमें अमोनियम और सल्फेट सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं और इनका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है आपका। ठीक है, इनका एग्जाम्पल जो है मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, बाकी आपसे डिटर्जेंट्स का एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, सेम सोप्स का एग्जाम्पल पूछ सकता है। फिर डिटर्जेंट्स का जनरली हम इस्तेमाल करते हैं शैम्पू और कपड़े साफ करने वाली चीजों में, उनके प्रोडक्ट बनाने में, जैसे डिटर्जेंट पाउडर बनाने में, डिटर्जेंट केक यानी सोप बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट बार, वो जो साबुन आता है ना टिकिया कपड़े धुलने वाली, उसका। फिर हम बात करते हैं कि ना कि सोप और डिटर्जेंट अलग क्यों है। तो ऐसे समझो कि ना इनका एक्शन ही अलग है, इनके काम करने का तरीका अलग है। सोप्स जो है वो सॉफ्ट वाटर पे बढ़िया काम करते हैं और डिटर्जेंट्स जो है वो सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों पे बढ़िया काम करते हैं, लेकिन डिटर्जेंट्स को स्पेशली हार्ड वाटर को खत्म करने के लिए, खत्म मतलब उस पे एक्शन जनरेट करने के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर क्या है। तो वो वाटर जो सोप्स के साथ ज्यादा झाग नहीं बनाता, लेदर का मतलब होता है झाग, वाटर वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। वो पानी, ठीक है, वो पानी जो साबुन के साथ ज्यादा झाग नहीं बनाता उसे हार्ड वाटर कहते हैं, और वो पानी जो साबुन के साथ बहुत सारा झाग बनाता है उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि पानी हार्ड क्यों हो जाता है। तो जब पानी के अंदर खारा, हार्ड वाटर मतलब खारा पानी, तो पानी खारा क्यों हो जाता है? तो जब पानी के अंदर बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, कैल्शियम क्लोराइड पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए या कैल्शियम सल्फेट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ इनमें से कुछ भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए तो हमारा पानी जो है हार्ड वाटर कहलाने लग जाएगा, खारा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। फिर आपसे सोप्स और डिटर्जेंट्स के बीच में क्या पूछता है? डिफरेंस। ठीक है, सोप्स और डिटर्जेंट्स के बीच में डिफरेंस पूछता है। तो सोप्स क्या होते हैं हमारे भाई, अगेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। ठीक है, और जो सोप्स का आयनिक पार्ट होता है ना वो होता है COOO- Na+, और जो हमारा डिटर्जेंट्स का आयनिक पार्ट होता है वो होता है OSO3- Na+। ठीक है, तो ये याद कर लेना। फिर सोप की एफिशिएंसी पानी में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, पानी में सोप की एफिशिएंसी उतनी बढ़िया नहीं होती है, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है उसमें डिटर्जेंट्स की, ठीक है, यहाँ लिखना था देयर एफिशिएंसी डिक्रीज इन वाटर, नहीं हार्ड वाटर था, सॉरी। ठीक है, सोप्स की एफिशिएंसी हार्ड वाटर में डिक्रीज हो जाती है जबकि डिटर्जेंट्स की एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन हार्ड वाटर में तो वैसे भी सोप्स की कंपैरिजन अच्छा ही काम करता है। सोप्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल, सोप्स धीरे 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 साबुन नहाने वाले जो साबुन आते हैं तुम्हारे ये सोप होते हैं। ठीक है, तो ये समय के साथ धीरे धीरे गल जाते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया वगैरह इनको खत्म कर सकते हैं। डिटर्जेंट्स जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इतनी आसानी से कभी खत्म नहीं होते,
कभी भी तुम बाथरूम वगैरह में देखोगे तो तुम्हारा नहाने वाला साबुन पानी में डिजोल्व हो के गल जाएगा आसानी से। लेकिन कपड़े वाला साबुन होता है ना, स्पेशली निरमा वगैरह जो रिन वगैरह आते हैं, सर्फ एक्सल के बार्स आते हैं, उनको पानी में तुम गीला होने रख दो, एक साबुन रखी दो जो गीला होता रहे, बूंद 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 करके उस पर गिरने दो, है महीने 1.5 महीने, देखना वो अलग सा ही चीज बनता चला जाता है, जलता ही नहीं है कभी, वो जलता ही नहीं है, मतलब खत्म ही नहीं होता वो, ठीक है, वो खत्म ही नहीं होता इतनी आसानी से। तो हम बात कर लेते हैं डिटर्जेंट्स की एडवांटेजेस की, ठीक है। तो द मेन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज दैट सोप कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। आप सोप्स को, जो नहाने वाला साबुन है ना, उसको आप हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कपड़े धोने के लिए, अब बात आती है सर नहाने वाले साबुन को कपड़ा धोने के लिए क्यों यूज करोगे, तो वो हमने सुना होगा इंडिया में साबुन आते हैं 5x2 करके नाम से आता है, हरियाणा वगैरह में बड़ा फेमस है ऐसे ही, वो नहीं येलो कलर का साबुन होता है, उससे लोग नाम गाँव यूपी बिहार और हरियाणा राजस्थान में ये खूब कॉमन है, उसी साबुन से हम नहा लेते हैं, उसी से कपड़ा भी धोने लगते हैं, उसको हम सोप कहते हैं, ठीक है। देखा होगा मिट्टी कलर का, मुल्तानी मिट्टी कलर का आता है, ठीक है, उसमें अजीब सी स्मेल आती है, उसको हम सोप कहते हैं। तो वो ना नहाने में भी इस्तेमाल हो जाता है और वो क्या बोलते हैं आपके कपड़ा धोने में भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। लेकिन कब, जब पानी सॉफ्ट है, खारा पानी नहीं है, मीठा पानी है, लेकिन जब पानी नमकीन होता है, नहीं हार्ड वाटर है, ठीक है, जिसे हम हार्ड वाटर कहते हैं, तो उस टाइम पे हार्ड वाटर में सोप जो है अपना एक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, और हार्ड वाटर के साथ सोप जो है एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस बनाता है, जिसे अपन स्कम कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्कम। तो देखो सोप को जब तुम हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या रिएक्शन होता है, ये आपको रेड कलर में रिएक्शन दिया हुआ है, RCOO-Na+ ये सोप होता है, इसको Ca2+ मतलब हार्ड वाटर का कोई हार्ड वाटर है ये, कैल्शियम जब पानी में मिल जाता है तो हार्ड वाटर है ये, तो आपको स्कम देता है। स्कम क्या है, RCOO2CA, ये हमारा स्कम बनता है और Na+ आयन रिलीज हो जाता है बाहर, ठीक है। तो ये हमारा डिटर्जेंट बनता है, बाकी ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि जो सोप है वो हार्ड वाटर में एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता ढंग से, और वो जैसे ही हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो स्कम बना देता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, इनसॉल्युबल, वाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देता है, जिसे हम स्कम बोलते हैं, चिपचिपा चिपचिपा सा, ठीक है। कभी किसी ने फील किया होगा तो देखा होगा, अदरवाइज आप लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि अब आपका सामना जो है सीधे सीधे सॉफ्ट वाटर के साथ होता है, ठीक है। क्लिंसिंग एक्शन ऑफ सोप, ये सोप काम कैसे करता है, तो आपका जो सोप, एक सोप का मॉलिक्यूल जो है ना, दो केमिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स, दो अलग अलग पार्ट से बना होता है, एक पार्ट ऐसा होता है जो पानी की तरफ भागता है और एक पार्ट ऐसा होता है जो पानी से दूर भागता है। तो आपके सोप के दो पार्ट हैं, ठीक है, एक पोलर एंड है, ठीक है, ठीक है, और विद अ शॉर्ट हेड, और उसका एक पोलर एंड का क्या होता है, शॉर्ट हेड होता है, क्या होता है, शॉर्ट हेड, जिसे हम कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, C-OONA इस फॉर्म का होगा, और एक नॉन पोलर होता है, दूसरा कौन सा होता है, नॉन पोलर, ठीक है, एंड इसमें लॉन्ग टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन होती है, इसमें लॉन्ग टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन होती है, अभी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो पहले उन दोनों एंड्स के बारे में जान लेते हैं, तो दोनों एंड के नाम है, एक एंड का नाम है हाइड्रोफिलिक एंड और दूसरे का नाम है हाइड्रोफोबिक एंड। तो जो पोलर एंड होता है ना सोप का, जो पोलर एंड होता है उसे हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग एंड बोलते हैं, वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। साबुन का जो पोलर एंड है, ठीक है, कौन सा वाला पोलर एंड जो है, अब यहां देखो, पोलर एंड इज हाइड्रोफिलिक, साबुन का जो पोलर एंड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है और वॉटर लविंग है, और फोबिक मतलब फोबिया, फोबिया मतलब डर,
ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक होगा, जो हाइड्रोफोबिक होगा वो पानी से दूर भागेगा, तो जो नॉन पोलार एंड है उसका, उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हेट्स वाटर, वाटर से दूर भागता है, ठीक है। एंड इट इज अट्रैक्टेड टू डर्ट और रॉयल ऑन द क्लोथ, और इसको ना ये इसको पानी अट्रैक्ट नहीं करता, ये तो पानी से दूर भागता है, लेकिन ये तुम्हारे जो कपड़े के अंदर डर्ट है, ऑयल है, गंदगी है, उसकी तरफ भागता है। पोलर एंड पानी की तरफ भागता है, और जो नॉन पोलर एंड है, जिसे हम हाइड्रोफोबिक कह रहे हैं, वो डर्ट और ऑयल की तरफ भागता है, ठीक है। तो नॉन पोलर एंड यानी हाइड्रोफोबिक एंड कहाँ जाता है आपका, डर्ट और ऑयल की तरफ, ठीक है, पर वो पानी की तरफ नहीं जाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है सोप मॉलिक्यूल का, ठीक है, सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, सोप मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या करता है, जाके ना डर्ट में फंस जाता है। दोबारा सुनो, हाइड्रोफिलिक पार्ट तो पानी की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे पानी से प्यार है, प्यार मतलब अट्रैक्ट हो रहा है वो उसकी तरफ, ठीक है, एंड इट इज ड्रॉन टू वाटर, तो वो पानी की तरफ चला जाता है। जो नॉन पोलर एंड है ना, हाइड्रोफोबिक एंड, जो पानी से डरता है, तो पानी से डर के भागता है दूसरी तरफ, दूसरी तरफ वो ऑयल और डर्ट में की तरफ भागता है, तो उसमें जाके फंस जाता है, ऑयल और डर्ट में जाके वो आपका हाइड्रोफोबिक एंड ट्रैप हो जाता है, ठीक है। कौन, हाइड्रोफोबिक एंड किसमें ट्रैप हो गया, ऑयल और डर्ट में, ठीक है। उसके बाद ऑयल और डर्ट में ट्रैप नहीं, उसको ट्रैप कर लेता है, मतलब उसको ट्रैप कर लेता है, ऑयल और डर्ट को घेर लेता है। वेल द हाइड्रोफिलिक पार्ट मेक्स द एंटायर मॉलिक्यूल वाटर सॉल्यूबल, और हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या करता है, पूरे मॉलिक्यूल को वाटर सॉल्यूबल बना लेता है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो क्या करता है, डर्ट को ट्रैप कर लेता है, डर्ट के मॉलिक्यूल को क्या करता है, डर्ट या ऑयल के मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है चारों तरफ अपने। उससे क्या होता है, जो डर्ट था वो साबुन में फंस गया, तो फिर तुम पानी में डालोगे कपड़ा तो धो के चला जाएगा, वो रिंस ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन सोप और डिटर्जेंट इज डिसॉल्व इन वाटर, द मॉलिक्यूल फॉर्म क्लस्टर नोन एज मिसल्स। तो कह रहा है कि ना, जब सोप या डिटर्जेंट्स पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं ना, तो ना वो अपना एक क्लस्टर बनाते हैं। देखो ये ना आपको ऐसे ऐसी ये दिख रहा है, ये पूरा हमारा एक क्लस्टर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा क्लस्टर है। एक मिनट, ये बोलो, ऐसा एक पूरा झुंड बना लेते हैं, पूरा ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं मिसेल, क्या बोलते हैं, मिसेल, ठीक है। तो ये हमारा मिसेल है, बाकी आप सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लो, तो सोप मॉलिक्यूल में एक ये देखो यही चीज है, दिख रही है ना, जो मिसेल है उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल के ऐसे करके ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऐसे वाले स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर पहले दिख रहा है, ये इकट्ठे होकर एक मिसल बनाते हैं, ठीक है। तो मिसल, उससे पहले सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझ लो, उसकी एक टेल होती है, जिगजैग जिगजैग जैसी, एक हेड होता है, इसमें सोडियम आयन होता है मेनली, ठीक है। टेल में जो होगा तुम्हारा वो CH3COO तक का पार्ट है, CH3COO वाला पार्ट जो है वो टेल है, और Na वाला पार्ट क्या है, हेड, ठीक है। तो जो तुम्हारा हेड है वो आयनिक पार्ट यानी हाइड्रोफिलिक पार्ट, पानी की तरफ अट्रैक्ट होने वाला पार्ट, और जो टेल है वो पानी से दूर जाने वाला पार्ट, ठीक है। तो ये बीच में तुम्हें दिख रहा है, ये वाला बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका ऑयल पार्टिकल, ऑयल या फिर डर्ट का पार्टिकल। तो ऐसे बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स जाकर क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं किसको, इस ऑयल या डर्ट को, फंसा लेते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमारा मिसेल कहलाता है, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, मिसेल। तो मिसेल की फॉर्मेशन देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देयर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स बाइंड टू दी ऑयल, ये आपको दिख रहा है, लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन, ये वाली, ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये वाला, ठीक है, क्या करता है, ऑयल के साथ जाके बाइंड कर लेता है, ये ऑयल के साथ जाके जुड़ जाता है ऑयल और डर्ट के साथ। एज अ रिजल्ट द डर्ट इज सराउंडेड बाई द नॉन पोलर एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल। देख रहे हो ना, डर्ट के चारों तरफ नॉन पोलर एंड, सोप मॉलिक्यूल का नॉन पोलर एंड यानी टेल वाला पार्ट
सराउंड कर चुका है, वॉयल को घेर चुका है, वॉयल या डर्ट के पार्टिकल को नॉन पोलर एंड यानी टेलर वाला टेल वाला एंड क्या कर चुका है, कवर कर चुका है, सराउंड कर चुका है, ठीक है। तो द मिसाइल्स आर वाटर सॉल्युबल, इसी को हम कहते हैं मिसाइल, चारों तरफ से घेर की जो स्ट्रक्चर बनाया से हम कहते हैं मिसाइल। तो जो मिसाइल्स होती हैं वाटर सॉल्युबल होती हैं, पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, पूरा स्ट्रक्चर पानी में डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ द चार्ज्ड कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ द सो मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके पास एक चार्ज कार्बोक्सिलेट एंड है, ठीक है, सोप मॉलिक्यूल के पास, तो कार्बोक्सिलेट जो है पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो पूरा का पूरा मिसाइल पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और जब मिसाइल पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो तुम्हारा डर्ट था उसी पानी के साथ बाहर निकल के चला जाता है और कपड़ा आपका साफ हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द सोप वॉशेस अवे द डर्ट, और इसकी वजह से क्या होता है, सोप जो है आपका डर्ट साफ कर देता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, और ये मिसाइल की फॉर्मेशन का ये वाला पार्ट, और ये जितना मैंने यहाँ तक ये सब लिखा है ना, यहाँ क्लिंसिंग एक्शन ऑफ सोप से लेकर यहाँ तक, ये पूरा आपको पेपर में लिखने को आता है, ठीक है। तो ढंग से इसको एक बार गो थ्रू करना, पढ़ लेना, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।